स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। मंगलवार की शाम को सहारनपुर में सिविल अस्पताल के सामने पत्रकार सलमान अली की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज सुजालपुर के पत्रकारों द्वारा अनुविभाग अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई थी तुरंत सलमान अली के हत्यारों को पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मध्य प्रदेश में पत्रकार कानून लागू किया जाए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाए। इस घटना को लेकर पत्रकारों में भारी रोष है। वह सबसे बड़ी सवाल ये है कि अभी तक किसी नेता ने, ये मंत्री ने पत्रकार की हत्या पर ना कोई ट्वीट किया और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी, जिससे पत्रकारों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं पत्रकार अशोक मीणा ने बताया कि आज तीसरा दिन है, लेकिन पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। इसको लेकर भी पत्रकार समाज नाराज है। ज्ञापन में राजेश मेवड़ा, अशोक मीणा, सिद्धनाथ यादव, शांतिलाल चंद्रवंशी, मोहम्मद नफीस, समीर अली, ये सब शामिल हैं। आज अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन द्वारा सुजालपुर एसडीएम महोदय को राजगढ़ में जो दो दिन पहले घटना हुई है, सलमान अली खान जो पत्रकार थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी मौके पे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी अपराधी को पकड़ा नहीं है, जिसके आक्रोश में आज सुजालपुर के पत्रकारों द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन है। मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाए और पत्रकारों के लिए कानून बनाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि ये पत्रकारों की एक लंबी मांग है। इस मांग को मुख्यमंत्री गंभीरता से लें। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ की रक्षा करना सरकार का अधिकार है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। आज सलमान अली की मौत नहीं हुई है यहाँ पर, अभी तो पूरे पत्रकार, जितने भी मध्य प्रदेश के पत्रकार हैं उनके सबकी इस घटना से बहुत आहत है और बहुत आक्रोश है। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस घटना पर कार्रवाई हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि दूसरी बार कोई अपराध करने से सोचे। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।